गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर 9 डायरेक्शंस. एंड यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज कंपास. अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शंस. द नीडल ऑफ अ कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ एंड फ्रॉम दैट वी कैन लोकेट अदर डायरेक्शंस. एंड यस्टरडे आई हैव शो यू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपास. The first compass was invented by Chinese. Now the compass comes in a different size and some of them are small. They look like wristwatch. And who uses this compass? The sailor, pilot, motorist, mountaineers, trackers all use compasses. Cardinal directions. The four cardinal directions are cardinal points on the compass are north, east, west and south. So जो four cardinal direction है, जिसे हम cardinal point भी बोलते हैं, वो कहाँ पर होती है? compass के ऊपर. और कौन कौन सी होती है वो? north, east, west and south. I'm going to show you. These are the cardinal directions: north, साउथ, ईस्ट है, वेस्ट. सो ये कंपास के ऊपर बनी होती है. नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. जो नॉर्थ एंड साउथ की तरफ बनी होती है, पॉइंट होता है, वो हमें किसके बारे में बताता है? नॉर्थ एंड साउथ पोल के बारे में. जैसे कि हमें पता है कि हमारी अर्थ जो है टू में डिवाइडेड है, नॉर्थ एंड साउथ पोल में. जो कंपास के ऊपर बनी होती है, पॉइंट्स करती है, तो वो हमें किसके बारे में बता रही है? नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में. द कार्डिनल डायरेक्शंस आर आल्सो रिटन एज NEWS न्यूज. सो जो कार्डिनल डायरेक्शन है वो कैसे भी लिखी कैसे लिखी जाती है? NEWS. The knowledge of cardinal directions help us to, जब हमें cardinal directions की knowledge हो जाती है तो हमें कैसे help कर सकती है? Find the way around your locality. तो हमें अपनी locality में way ढूँढने के काम में हम इसे use कर सकते हैं, रास्ता ढूँढने के लिए. Follow the directions given by other. अगर हमें कोई direction देता है कहाँ जाना है, किस साइड जाना है, तो हम उसे follow कर सकते हैं. किसी और ने हमें direction दी कि आप इस साइड को जाइए, अगर हमें cardinal directions की knowledge हो गई है तो हम आसानी से उसे follow कर सकते हैं. Read and give directions. हमें cardinal direction को पढ़ना, और किसी को अगर हमें डायरेक्शन के बारे में बताना है तो वो भी हमें आ जाता है. रीच आ डेस्टिनेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम. अगर हमें कहीं पे जाना है, ठीक है, तो हमें नॉलेज हो गई है, तो हम आसानी से विदाउट वेस्टिंग ए टाइम अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर जा सकते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? सन ऑल्सो helps us to locate the direction. जो सन है हमें direction locate करने में help करता है. The sun rises in the east. तो सन कहाँ से rise होता है, कहाँ से उगता है? east के साइड से. हमें पता ही है कि sun rises in the east. In the noon it is इन द साउथ. और जैसे ही नून के टाइम पर, यानी दोपहर के टाइम पर, ये किस तरफ चला जाता है? घूमकर साउथ की साइड में. देन इन द इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट. और जैसे ही इवनिंग होती है, वो सेट कहाँ पर हो जाता है? कहाँ जाके डूब जाता है? वेस्ट की साइड में. ठीक है. मून कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर लोकेटिंग द डायरेक्शन. हम मून को भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्शन लोकेट करने में, बट
इट इज़ नॉट विजिबल ड्यूरिंग अ मेजर पार्ट ऑफ ईच मंथ। पर ऐसा होता है कि आपको पता है कई बार हाफ मून आता है, कभी फुल मून आता है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे मंथ्स हैं जिसमें कि फुल मून नहीं दिखता है, कुछ पार्ट ही दिखते हैं, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते ढंग से डायरेक्शन लोकेट करने के लिए। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में क्या है कि कैसे हम डायरेक्शंस को जान सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठें और देखें कि जो सन है कहाँ से राइज कर रहा है, ईस्ट की तरफ से, और आफ्टरनून में किस साइड को हो जाएगा, वो जब रोटेट होगा तो आ जाएगा साउथ की साइड में, ठीक है। आपके राइट हैंड साइड क्या है, साउथ होगा, और सेट कहाँ पर होगा आपके बैक की साइड में, वो क्या है, वेस्ट, ठीक है। देन आपका लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पर है, नॉर्थ की साइड में। तो ऐसे आप डायरेक्शन भी जान सकते हैं कि आपको सुबह उठना होगा और आपको जब सनराइज होगा उसकी तरफ फेस करके खड़ा होना होगा। जब आप फेस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, देन आपके राइट हैंड साइड साउथ आ गया, एंड बैक साइड में वेस्ट आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, आपके नॉर्थ आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, देयर इज़ वन एक्टिविटी, एक्टिविटी वन, लोकेश वेंट 50 किलोमीटर टू द नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस। लोकेश 50 किलोमीटर जो है अपने घर से नॉर्थ की तरफ चलता है। देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर 10 किलोमीटर। तब वो टर्न करता है किस तरफ को, वेस्ट की तरफ को, और कितने किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर। देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। उसके बाद वो साउथ की तरफ मुड़ता है, कितने किलोमीटर कवर कर लेता है, 5 किलोमीटर। फाइनली ही कवर्ड 10 किलोमीटर टू द ईस्ट। और लास्ट में फाइनली वो कितना कवर करता है, ईस्ट की तरफ को, 10 किलोमीटर। नाउ व्हाट इज द एक्टिविटी, ड्रॉ द डायरेक्शंस फ्रॉम लोकेश हाउस। सो ऑन पेज नंबर 71 देयर इज अ हाउस, इट्स अ लोकेश हाउस। तो आपको डायरेक्शन ड्रॉ करनी है कि कितने कितने किलोमीटर वो चला है। इन विच डायरेक्शन ही हैज़ फ्रॉम हिज हाउस एट लास्ट, और कौन से डायरेक्शन में फाइनली वो अपने घर से पहुंचता है लास्ट में। एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, जब वो लास्ट में जहाँ पहुंचेगा उस डायरेक्शन के बारे में बताना है कि वो किस डायरेक्शन पे पहुंच गया है। सो आई एम गोइंग टू शो यू, दिस इज़ लोकेश हाउस, और आप ड्रॉ करेंगे कितने किलोमीटर पे वो चला है, ठीक है। नॉर्थ की तरफ कितना किलोमीटर मुड़ा है, वेस्ट की तरफ कितना रहा है उसका, ठीक है, फिर देन ईस्ट की तरफ कहाँ है, लास्ट में फाइनली वो कहाँ पर गया पहुँचा है। दिस इज़ योर एक्टिविटी, यू विल डू इट बाय योर सेल्फ। नाउ एक्टिविटी टू, ईच चाइल्ड होल्ड्स अ कार्डबोर्ड क्लॉक विद द आवर्स एंड मिनट हैंड। तो एक बच्चा, हर एक बच्चे क्या करता है, होल्ड करता है एक कार्डबोर्ड क्लॉक को, जिसमें क्या है, मिनट्स और आवर्स और मिनट्स के हैंड्स दिए गए, ठीक है। व्हेन द आवर्स हैंड इन ऑन 12 क्लॉक इट शोज नॉट डायरेक्शन। जैसे ही उसके क्लॉक के हैंड्स 12 पर आते हैं, 12 ओ क्लॉक पर, तो ये कौन सी डायरेक्शन शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन। हमें पता है ना कि ऊपर साइड हमने कंपास में देखा था कि जो आपकी डायरेक्शंस में है नॉर्थ पोल की तरफ होता है, ऊपर की साइड कौन सा होता है, नॉर्थ होता है। तो ये जब वो 12 ओ क्लॉक पर आएगा तो कौन से डायरेक्शन पता लग जाएगी हमें, नॉर्थ की। एट 3 ओ क्लॉक इट शोज ईस्ट। और जैसे ही 3 ओ क्लॉक की तरफ हमारी निडल टर्न होती है तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट। देन एट 6 ओ क्लॉक इट शोज साउथ। और जैसे ही सिक्स ओ क्लॉक होंगे तो हमें पता लग जाएगा कौन सी डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। व्हेन इट इज़ एट 9 ओ क्लॉक इट शोज वेस्ट। और जैसे ही 9 ओ क्लॉक होंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम, आप अपने घर में भी इसे प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं।
अगर आपको डायरेक्शंस के बारे में जानना है, ठीक है. तो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव रेड अबाउट द कार्डिनल डायरेक्शंस. देयर आर फोर मेन कार्डिनल डायरेक्शंस ऑन द कंपास एंड दे आर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. एंड नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट्स टूवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. एंड द कार्डिनल डायरेक्शंस आर ऑल्सो रिटन एज एन ई डब्ल्यू एस न्यूज. सो वट इज द फुल फॉर्म ऑफ न्यूज? Yes, north, east, west and south. The knowledge of cardinal direction help us to find the way around our locality and follow the directions given by others and reach and give directions, reach our destination without wasting time. So dear student, that's all for the day. Tomorrow we will continue our chapter. And what will you do? You will complete the activity 1. Okay, thank you and have a nice day.